नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि जो रुक जाना नहीं का सोशल साइंस का पेपर हुआ था उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो सप्लीमेंट्री का पेपर होने वाला है तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको इस क्वेश्चन पेपर से आपको ज़रूर मिलेगा। तो यह रुक जाना नहीं का पेपर 2019 का है, तो आपसे एक ही वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का लाभ उन अपने दोस्तों को भी मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प का, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो कौन सा कार्य जो है मृदा के कार्य में सहयोगी नहीं है, तो यह पानी का इकट्ठा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी का इकट्ठा इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है वित्त विधेयक का निर्माण करता है, तो वित्त विधेयक का निर्माण राष्ट्रपति करता है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। तीसरा है आर्थिक विकास का परिणाम है, तो आर्थिक विकास का परिणाम ये उपयुक्त सभी हैं आर्थिक परिणाम। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रणाली को अपनाया गया, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आता है भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, तो ये हमारी कहाँ है मुंबई में, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश में ही बताऊँ तो कमेंट करके बताएं, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है चौथा क्वेश्चन निकल आया है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी का, हमें सही जोड़ी मिलानी है। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। पहला है खेल गतिविधियों का प्रसारण, तो खेल गतिविधियों का प्रसारण इसका सही आंसर है हमारा, थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीडी स्पोर्ट, क्योंकि मैच जो प्रसारण होते हैं वो डीडी स्पोर्ट पर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर डीडी स्पोर्ट। इसके बाद है वा फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा वी, सुभाष चंद्र बोस का आंसर। इसके बाद है सा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो यह प्रधानमंत्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बोलते हैं।
द है अमर्त सेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह है आर्थिक कल्याण, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद मछली पालन, यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति के, इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, चलिए वो देख लेते हैं हम। पहला हमारे वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित होती है, तो ये UNDP के सहयोग से संचालित होती है, किससे, UNDP के से होती है, तो ये आप लिख लेना UNDP, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ब्लेयर हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था, किस लिए, विलय, ये आपको ध्यान देना होगा, विलय नीति के कारण उसने ये हड़प कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यह कब हुआ था, 14 जुलाई 1969 को हुआ था, कब हुआ था, 14 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद हमारा आता है पांचवा, ISI स्तर का मानक है, तो यह औद्योगिक स्तर का मानक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो हमें नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, चलिए वो निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लिया हमने। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन किसने कहा है, ये कथन कहा है बाल गंगाधर तिलक ने कहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हुआ। तो नशा मुक्ति के लिए मद निषेध अभियान किसने चलाया था, ये महात्मा गांधी ने चलाया गया था। तो बेरोजगारी का क्या अर्थ है, ये आप देख लेना, ये परिभाषा है, आपको बुक मिल जाएंगी। तो वस्तु व सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से सत्य एक बार और चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। इस पेपर की PDF फाइल आप हमारे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे दूंगा, या आप सर्च कर लेना www.exkitchi.com, ठीक है दोस्तों। दूसरा है, ताशकंद समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, तो यह असत्य है, ताशकंद समझौता भारत और चीन के मध्य नहीं हुआ था। भारत संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। चौथा है, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता, तो ये असत्य है, कैसा है, ये असत्य है। उपभोक्ता, पांचवा, उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, तो यह असत्य है, क्योंकि उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस सप्लीमेंट्री में आए थे। तो मैं इस वीडियो का यहीं रोकता हूँ, इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक दे दूंगा नीचे आप, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना ही चैनल। अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके पेपर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, आपके पेपर अच्छे तरीके से जाएँ।